अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि टेस्ट किस तरह से तैयार किया जाता है, किस तरीके से रेडी किया जाता है, किस तरीके से इसको इसके रेडी करके इसके ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। एक दफ़ा आप ट्रेसिंग मतलब ट्रेसिंग सीख लें, इसके ऊपर बटर पेपर पर आप ट्रेस बना के रख लें। उसके बाद जब भी आपको काम करना हो, आप आराम से ये वाला डिज़ाइन फ़ौरन से ट्रेस करें और आप बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए, आप वो नोट कर लें। ये एक बटर पेपर मैंने लिया। बटर पेपर आप कोशिश करें थोड़ा सा थिक वाला लें, एक बहुत थिन मिलता है, तो अगर आप वो लेते हैं ना तो उससे सारा जब आप प्रेस करते हैं तो नीचे कपड़ा ख़राब हो जाता है और वो बटर पेपर फ़ौरन से फट जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, आप थोड़ा सा थिक वाला लें इस तरीके से। ये पॉइंटर है, पॉइंटर हम इसकी आउटलाइन करने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि पॉइंटर जो है ये थोड़ा सा ना सॉफ्टली इसके ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, इससे लाइनिंग होती है। आप कोशिश करें कि आप बॉल पेन यूज़ ना करें, या तो मार्कर यूज़ करें या ये पॉइंटर यूज़ करें, क्योंकि इससे पेपर ख़राब नहीं होता और बाद में प्रोमिनेंट नज़र भी आता रहता है। ठीक है, अगर आप लेड पेंसिल के साथ काम करते हैं तो वो बाद में थोड़ा सा मतलब इतना प्रोमिनेंट नहीं होता डिज़ाइन, तो आप ये पॉइंटर यूज़ करें। इसके अंदर सुराख करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, हिजाब पिन है, ये हिजाब पिन है। आप कोई भी नीडल यूज़ कर सकते हैं जो आप घर में आपके पास कोई भी अवेलेबल हो। ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ, ये देखें इसके बैक पे ये, ठीक है, ये जब आप इसके अंदर इस तरीके से सुराख करेंगे ना, तो ये पीछे से आपके फिंगर में मतलब पेन नहीं होगी या बार बार आपके फिंगर में लगेगी नहीं। आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी डिज़ाइन ले लें, जो भी आपको बना, मेरे पास तो और कुछ नहीं था, मैं आपको ये दिखा दी, ये छोटे देखें, ये मेरे पास बुक ही है जिसे ये बटरफ्लाई आपको पेंट करना है। ये उसके ऊपर आप प्रेस करें इसके ऊपर और आप उसके ऊपर बना लें, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं अभी जो आपको बना कर दिखाने लगी हूँ, ठीक है, वो है ये कोई बना हुआ है, ये डिज़ाइन है। मुझे ये ट्रेस करूँगी क्योंकि ये फ्रॉक के नीचे फ्लेयर के ऊपर इतना मुझे ये ट्रांसफ़र करना है, तो मैं आपके सामने ट्रेस करती हूँ और फिर आपको ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ। शीट ले ली, देखिए ये रोल हो रही है ना, अब आप इसके नीचे ऐसे इसको रख लिए। अब इसको मैं यहाँ पर पिनअप करूँगी, आपके पास इस तरह इसके ऊपर वेट रख लें, थोड़ा यहाँ पर वेट रख लें, आप इस साइड थोड़ा सा वेट रख लीजिए इसके ऊपर। अब आप पॉइंटर लें, आप देखिए कि बस ये बटर पेपर बार बार ही लेना ताकि डिज़ाइन ख़राब ना हो, वेट इसलिए रखा है। अब आप इसको ट्रेस करना स्टार्ट करें, इस तरीके से आउटलाइन करते हैं इसको। जितना आपने फेस बनाना है, जितना डिज़ाइन करना है, उतना आप कंप्लीट कर लें। मैं आपको अपना फेस बना के अभी दिखाती हूँ, फिर मैं उसको किस तरीके से पिनअप करूँगी और फिर किस तरीके से ट्रांसफर करूँगी। ठीक है, हो गया, ठीक है। मैंने इसके साथ जितना मुझे डिज़ाइन चाहिए था यहाँ तक बना लिया, ये मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए था, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये मुझे इतना नहीं चाहिए, बस मुझे इतना ही डिज़ाइन चाहिए था, ये मैंने बना लिया। अब आप इसको हटा दें और सभी, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया और ये मैंने बना दिया। अब ये हो गया, अब आप इसको क्या करें कि इसके नीचे कोई सी सॉफ्ट मतलब हल्का सा आप कोई कपड़ा रखें या कोई कुशन रख लें, कोई नरम चीज़ रखें, ताकि आप जब इसके अंदर इसके साथ सुराख करें तो ईजिली हो सके। ठीक है, ये मैंने रख लिया। अब आप ये देखिए, मैं सबसे पहले इसका पिन करना लगी हूँ, ये मैंने ये पिन ले ली, इसमें ये आपने बिल्कुल नज़दीक नज़दीक करने हैं। ठीक है, फिर उसे आपका फेस बहुत अच्छा बनेगा और जब आप इसको ट्रांसफ़र करोगे तो वो बहुत नीट आएगा। अगर आप दूर दूर से ये इस तरीके से सुराख करते जाएंगे तो वो ट्रेस आप जब आप लगाओगे तो आपका गंदा सा ट्रेस आएगा, कोई आपको समझ नहीं आ रही होगी कहाँ कहाँ पे किस तरीके से मैंने करना है। ये मैं अभी आपको करीब से दिखाती हूँ, इस तरीके से पास पास आप करते जाएं। ठीक है, इसी तरीके से आपने पूरे अपने बटर पेपर पे जहाँ जहाँ डिज़ाइन ट्रेस की है
से आपने सारे डिजाइन के ऊपर ये सुराख कर लेना है। मैं ये सब पे कर लूँ फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब साथ साथ से मैंने इस पिन के साथ सुराख कर लिए हैं अच्छे से, ठीक है, पूरे फेस के ऊपर बिल्कुल पास पास नीट सा लगेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से और किस के साथ ट्रांसफ़र करूँगी। इसको ट्रांसफर सबसे पहले हम लेंगे, ये आपको दिखाती हूँ, कैरोसिन ऑयल, ठीक है, बोतल में डाल के रखा हुआ है, मिट्टी का तेल, ठीक है, कैरोसिन ऑयल का लेंगे, मिट्टी का तेल है। और दूसरा प्लास्टिक ऑफ पेरिस, ये आपको किसी भी पेंट वाली शॉप से मिल जाएगा, ये जो दीवारों पे यूज़ किया जाता है पेंट करते हुए फिलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर पानी डालें तो ये फ़ौरन से हार्ड हो जाता है, ये दीवारों को फिलिंग करने के लिए प्लास्टिक ऑफ पेरिस के नाम से आपको मिलेगा, पैकेट होता है, बहुत सस्ता सा 30-40 में मिलेगा, ठीक है, ये वो है। अगर इसको हम मिट्टी के तेल में डालते हैं तो ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और तो दीवारों पर फिलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी ब्लैक कलर का ये फैब्रिक है या डार्क बेस का फैब्रिक है तो आप ये मिट्टी के तेल में डालेंगे, और अगर लाइट बेस में तो फिर आपने पाउडर नील मिलता है पाउडर फॉर्म में, ठीक है, एक लिक्विड नील होता है, आपने वो नहीं लेना, आपने इस तरीके से ये पाउडर नील, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, आपने ये पाउडर नील डालना मिट्टी के तेल में, ओके। अब मेरा ये फैब्रिक ब्लैक है, मैंने इसके ऊपर ट्रेसिंग करके आपको दिखानी है, तो मैंने ये पहले से बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस बॉक्स में पहले से ही मैंने ये डाला है प्लास्टिक ऑफ पेरिस। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये आपको डाल के दिखाऊँ, आपने ये कैरोसिन ऑयल डाला, आप हाथों पर ग्लव्स पहन लें कि हाथों पर एलर्जी भी हो सकती है इससे। हाँ जी, तो ग्लव्स मैंने पहन ली हैं और ये आप प्रेस देख रहे हैं, ये मैं पहले लगा चुकी हूँ क्योंकि मैंने पहले लगा दिया और मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, ठीक है, अब मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। ग्लव्स पहन लें आप पहले, उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, ठीक है, मिक्स करके उसके बाद ये एक्स्ट्रा जितना भी ये ऑयल है ये आप इसको निकाल दें, ठीक है, निकाल के उसके बाद आप इसको सॉफ्टली बिल्कुल, ठीक है, आपको कोई दबाने की जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से जब आपने ये सुराख किया होगा तो ये ट्रेस खुद बहुत ही बहुत अच्छा सा ट्रांसफर हो जाएगा। ये लें बस, ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन आया है इस तरीके से। एक और बात कि अगर आपका ये बटर पेपर इससे थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं होगा, थिन वाला होगा, तो सारा यहाँ इस जगह पे भी आपका ट्रेस के निशान आ जाएंगे हल्के हल्के से डॉट डॉट से, ठीक है, इसलिए कोशिश करें ठीक वाला आपने बटर पेपर लेना है। ट्रेस लग गया, अब इसके ऊपर अगर आप इस फर्श करें, अगर थोड़ा सा साइड पे अगर लग जाता है आपसे मतलब कि बटर पेपर ये जो सब वाइट सा है पाउडर लग जाता है ट्रेसिंग करते हुए, तो आप जब पूरा कंप्लीट कर लें अपना डिज़ाइन, ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ से ब्रश के साथ कंप्लीट करेंगे, जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने एक सिंपल कपड़ा गीला लेना है, सूती गीला कपड़ा लें और उसके ऊपर ना यहाँ साइड से इस तरीके से यहाँ पे मारें, जितना एक्स्ट्रा ये पाउडर होगा ये सारा उतर जाएगा, ठीक है, और आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है कि पेंट करके आप वॉश कर लें, वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, आप गीला कपड़ा हल्का सा करके ना साइड से इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, शफक वकास के नाम से मेरा अकाउंट है, पेंटिंग कॉर्नर बाय शफक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।